कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शराब घोटाले में फंसी केजरीवाल सरकार बचाव की जगह हर दिन आक्रामक हो रही है। आज केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो मनीष सिसोदिया के साथ सोमवार को गुजरात जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की तरह गुजरात में भी अच्छी शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पर काम करेंगे। सीबीआई छापे पूरे हुए तो सिसोदिया ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल से खतरा है, इसलिए उनकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। पहले आप सिसोदिया का 24 वाला दावा सुनिए, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। मुद्दा घोटाला है ही नहीं, शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की जो साजिश रची जा रही है उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आप सब जानते हैं, देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक बहुत कट्टर ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि उनको काम करना और काम करवाना आता है। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल होके रहेगा। आम आदमी पार्टी का दावा काफी बड़ा है, तो क्या 2024 में वाकई मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है? हालांकि जानकार सवाल पूछते हैं कि लोकसभा में जीरो होने पर केजरीवाल लोकसभा में 2073 का सपना कैसे देख सकते हैं? क्या एक से ज्यादा राज्य में सरकार के दम पर केजरीवाल मोदी को पूरे देश में चुनौती दे सकते हैं? सवाल यह भी है कि हिमाचल गुजरात के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की दावेदारी कांग्रेस के खिलाफ है या फिर बीजेपी के? इसी पर हम आज डिबेट करेंगे। हमारे सवाल हैं, 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएंगे केजरीवाल? लोकसभा में 303 का जवाब जीरो से कैसे देंगे? दो राज्यों में सरकार के दम पर मोदी को चुनौती दे रहे हैं, मोदी विरोधी दल में कौन केजरीवाल के साथ है? सवाल है कि केजरीवाल लोकसभा में 273 का मैजिक नंबर कैसे पाएंगे? केजरीवाल की चुनौती गुजरात के लिए या 2024 के लिए? गुजरात में केजरीवाल बीजेपी का फायदा या कांग्रेस का नुकसान? तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ गया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी और इसके साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं अजय आलोक जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास चर्चा में। अजय आलोक जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। ये जो दावा आज नया पेश कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, इस दावे में कितना दम है? क्या वाकई में इतना इजी है कि जीरो से 273 का सफर पूरा कर लेगी आम आदमी पार्टी इन दो सालों में? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन हमारा देश अद्भुत देश है। सीबीआई की रेड पड़ती है और सीबीआई की रेड पे जवाब देने की जगह लोग अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं। ये इसी देश में हो सकता है और आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में विपक्ष एकजुट नहीं है और एकजुट होने की संभावना भी नगण्य है। तो फिर सवाल उठता है कि किस बेसिस पे प्रधानमंत्री जी से आप लड़ने जाइएगा, क्योंकि इस देश में पॉलिटिक्स का मतलब परसेप्शन होता है, अवधारणा। अवधारणा किसकी कैसी है, कैपेबिलिटी पे? चलिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, तो आप कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करिए, सब काम कर रहे हैं अपने। क्रेडिबिलिटी किसकी कितनी है? दूसरा, परसेप्शन उसका क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है? इन सारे फैक्टर्स को लेके आज की तारीख में विपक्ष एकजुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई संगठनात्मक रूप से कोई खड़ा है, जो हर राज्य में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्रेडिबिलिटी का अभाव है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं, तो उसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग दावेदारी आते रहेगी। कभी थर्ड फ्रंट बनेगा माइनस कांग्रेस, कभी नीतीश कुमार, शरद यादव, पवार, वाईएसआर, इनका एक मोर्चा बन जाएगा, उसी में कभी अरविंद केजरीवाल निकल जाएंगे, कभी ममता बनर्जी निकल जाएंगी। ये तमाम तरह की खिचड़ी 2024 तक पकती रहेगी। हर चुनाव के पहले, दो साल पहले शुरू हो जाता है, सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, और कोई फ्रंट मटेरियलाइज नहीं करता है।
और बुनियादी क्या जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है देश में लोकसभा के चुनाव के लिए परसेप्शन अवधारणा। वो अवधारणा आज की तारीख में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि 2024 तक अभी ये फ्रंट बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन ये नया दावा जरूर केजरीवाल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। अरुण जी, अब सवाल ये है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है मोदी वर्सेस केजरीवाल, इसमें कांग्रेस कहाँ है? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता ही कहूंगा मैं, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता है नहीं और अजय जी जनरली वही रोल प्ले करते हैं, तो आज मैं उनका नामकरण कर दूं, शायद भविष्य में जो होने वाला है मैं आज बता रहा हूं। तो मुद्दा यह है, उन्होंने बात की क्रेडिबिलिटी और केपेबिलिटी की, मैं बात कर रहा हूं केपेबिलिटी की। अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया और पंच प्रण की बात की, उसी समय पे उनको जो 5 या 7 साल पहले उन्होंने वादे पंच प्रण किए थे कि हर किसानों की आय दुगनी करना, हर भारतीय को घर देना, हर घर में जल, हर जल में नल, बुलेट ट्रेन की उन्होंने बात की थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। तो जब अगर आप बात कर रहे हैं कि केपेबिलिटी की, तो आपको देश को ये जवाब देना चाहिए था कि जो वादे आपने किए थे कि 15 अगस्त 2022 को मैं ये वादे पूरा करूंगा, तो आप कहां पे कौन सी बात कर रहे हैं? ना केपेबिलिटी की बात है, ना क्रेडिबिलिटी की बात है। पूरे देश ने देखा, झूठ को उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया कि आज प्रधानमंत्री के पद से, इतने बड़े पद से कोई झूठ बोलता और कोई सवाल पूछने के सामने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है, ये सिर्फ भाजपा सरकार में मुमकिन है। दूसरी बात, जैसे जिस प्रकार से ऐसे काफी स्टेप्स लिए गए, वो हम लोग नोटबंदी की बात करें, 3 काले कानून की बात करें, जीएसटी बात करें, ऐसी चीजें जो देश को जरूरत नहीं थी वो चीज देश के ऊपर थोपी गई, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। मैं कोविड की भी बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से कोविड मैनेजमेंट किया गया, हर चीज का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि क्रेडिबिलिटी की बात हो, कैपेबिलिटी की बात हो, या परफॉर्मेंस की बात हो, कहीं पे भी भाजपा या मोदी सरकार उसमें स्कोर करती है। अभी कोई चैनल ने सर्वे किया, उन्होंने कहा कि भाई 66% से उनकी जो है लोकप्रियता 24% आ गई। अभी 1.5 साल बाकी है चुनाव को, लोकसभा चुनावों को। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, कि जनता के साथ कौन खड़ा रहा? 5 साल के बाद मुद्दे ये होगा कि जब जनता पीड़ित थी तब उनके साथ कौन खड़ा रहा, और उस जो परीक्षा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हमेशा उस परीक्षा में आगे खड़े रहे, उन्होंने कभी लालसा नहीं दिखाई। पर जहां मुद्दे बात थी, कथुआ की बात हो, उन्नाव की बात हो, कोविड की बात हो, काले कानून की बात हो, चीन की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, कोई भी मुद्दा देख लीजिए, विपक्ष में अगर एक ही मुखर आवाज थी जो ईमानदारी से निडर होकर इस सरकार की जो नीतियों के सामने लड़ा हो, वो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। तो आने वाले दिनों में 1.5 साल का समय है, हम देखेंगे। जो आज बहुत जल्दी है ये डिस्कस करने का कि चेहरा कौन, बट मुझे लगता है चेहरे से ज्यादा अब देश को भी समझना पड़ेगा कि जो मजबूती दिखाई जा रही है, चर्चा करना बहुत जरूरी है रोहन जी, क्योंकि दावा केजरीवाल की तरफ से किया गया है, दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, और वो तो सीधे कह रहे हैं 2024 में मोदी के सामने कौन? केजरीवाल। कांग्रेस का तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे वो। देखिए, जहां पे भी केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी गई है, उन्होंने फायदा किसका करवाया है? भाजपा का करवाया है। आप गोवा में देखिए, गोवा में फायदा किसका हुआ? भाजपा का हुआ। आप उत्तराखंड में देखिए, किसका फायदा हुआ? भाजपा का फायदा हुआ। तो वो उनका रियल उद्देश्य क्या है वो तो देश की जनता को मालूम है। ये 5 साल पहले भी उन्होंने किया था, वाराणसी से चुनाव लड़ा था। पर मुद्दा क्या है कि आप क्या ईमानदारी से इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप बात तो कर रहे हैं, आप लोग आप भी जो वादे कर रहे हैं उसकी हकीकत दिल्ली मॉडल पूरे देश के सामने है। मुद्दा यह है कि जहां पे जनता के लिए लड़ने की बात है, जब 3 काले कानून की बात थी तब इनकी ही पार्टी ने 1 काला कानून अपने वहां पास कर दिया था, और वो बीजेपी के सामने लड़ने की बात कर रहे हैं। और ऐसे कई मुद्दे थे जहां पे उनको बोलना चाहिए था बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं बोले, क्योंकि उनको चुनावी फायदा नुकसान दिख रहा था। आप जनता के लिए जब खड़े होते हैं तब कई बार हर चीज बाजू में रखे आपको आपके दिल की बात सुननी पड़ती है, अपने अंतर्मन की आवाज सुन के जनता के साथ खड़ा रहना पड़ता है, और यह काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो संगठनात्मक जो बात है या जो लीडरशिप है, वो पूरी टीम कांग्रेस है। 10 साल हमने शासन किया जब हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं थी, पर हर एक नीति से देश को फायदा हुआ, कहीं पे भी हमने नुकसान नहीं होने दिया। मनमोहन सिंह जी, आज मनरेगा की बात हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू जिन तमाम फैसलों का आपने जिक्र किया, नोटबंदी का, आपने कानून का जिक्र किया, उसके बाद तो चुनाव हुए देश में, जनरल इलेक्शंस हुए, और उसके बाद बंपर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। बीजेपी 303 सीटें पाई थी लोकसभा सीटों चुनावों में, या तो आप भुना नहीं पाए या उनकी नीतियां अच्छी थी, उनके फैसले अच्छे थे। बिल्कुल
देखिए हम सब जानते हैं कि भाजपा जो एक इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है, किस प्रकार से सही मुद्दों से ध्यान भटकाना, आज भी हम चीज देख रहे हैं। आज राष्ट्रवाद की ये लोग बात कर रहे हैं कि जिनके जो पूर्वज हैं कभी भी देश की आजादी में आज तक रोल नहीं प्ले किया, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान की बात करके जो देश में नफरत का माहौल है, हम सब जानते हैं कि बीजेपी, आप सर्वे कर लीजिए कहीं पे भी, बीजेपी को क्यों वोट दिया था, परसेप्शन बिल्डअप करने में उनकी होशियारी है, पर कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो रहा है। वो बीजेपी कभी भी रियल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ती। फिर ये कमी किसकी है? ये कमी तो विपक्ष की है, ये कमी आपकी है। आपको दिख रहा है सारी जगह से बीजेपी की डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, उनकी पॉलिसीज, उनके फैसले जब्त हो जाएगी, फिर भी आप जनता के बीच में उसे पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो ये कमी किसकी हुई? रोहन जी, मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास, ये कमी किसकी हुई है? तो कमी आपकी हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिये जनता, देखिए मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टर्म में जब अंग्रेज भी थे, अंग्रेजों को भी यहां से हटाने में समय लगा था। शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि एक पार्टी स्कोर कर रही है, क्योंकि उस पार्टी ने कभी भी अपने नीति नियमों या जो जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं किया। वो अपने फायदे के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं। चीन हमारी सरजमीन पर घुस गया, मुझे बताइए क्या कोई ईमानदार सरकार ये कहती कि चीन घुसा नहीं है? आज भी आज हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो बोलते कि अरे चीन की हिमाकत, और आज भी प्रधानमंत्री कहते हैं कोई घुसा नहीं है। ये कभी देश के जो इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप हकीकत का तो स्वीकार कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये काम नहीं किया। आज हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भाषण जरूर देते हैं, पर उनकी पार्टी पूरे देश में जो माहौल बना रही है, मुद्दा सिर्फ उनको मालूम है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो नफरत फैलाएगी। मुद्दे बहुत है इस देश में, मुद्दे बहुत है इस देश में, लेकिन फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है उस पर चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने आप को एक मुख्य चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अजय आलोक जी, जवाब आप दे रहे थे रोहन गुप्ता जी के सवाल का, अब ये तो लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल नजर आ रही है, इसमें जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की वो कहां है, वो कैसे रोक पाएगी केजरीवाल को? देखिए प्राची जी, आपने तीन बार उनसे पूछा, रोहन जी से, रोहन जी ने उस मुद्दे पे चर्चा करने से इनकार कर दिया। ये होता है शुतुरमुर्ख, कि हम देख रहे हैं सामने से तूफान आ रहा है लेकिन हम सर बालू में घुसा लेंगे कि नहीं तूफान नहीं है। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की यही है कि वो अपनी मुसीबत नहीं पहचानती है, अब पहचानती भी है तो उसको इग्नोर करती है कन्वीनियंटली। अभी इनके एक और आचार्य जी हैं, प्रियंका जी के बहुत नज़दीकी हैं, उन्होंने खुले तौर पे बोला कि 2024 में प्रियंका गांधी सबसे सर्वश्रेष्ठ चेहरा होंगी प्रधानमंत्री पद के लिए, जो मोदी को टक्कर दे सकती हैं। ये है कॉन्ट्रडिक्शन। और खुद रोहन जी ने बोला बीजेपी परसेप्शन बनाती है, तो परसेप्शन बनाती है बीजेपी तो परसेप्शन जनता ऐसी थोड़ी ना बना लेती। आप इतने आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान फेलियर, क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, कैपेबिलिटी कुछ नहीं है। अगर नहीं होता तो 2019 में 303 कहां से आते, क्योंकि परसेप्शन बना हुआ है ना। राजनीति क्या है रोहन जी? राजनीति इस परसेप्शन, अवधारणा। आज अवधारणा इस देश के लोगों की बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी सबसे कैपेबल है, सबसे विशाल व्यक्तित्व है, उसको आप कहां से तोड़ेंगे? ठीक है, बात परसेप्शन की है अजय जी, मिलाप करने से ये परसेप्शन नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस वक्त जुड़ गए हैं, कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, सीधा सा सवाल ये है, 2024 में जीरो से हीरो कैसे बन जाएंगे आप, कैसे 273 हासिल कर लेंगे? देखिए ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि 2024 का चुनाव, अब से पहले भाजपा के लोग, देश के लोग पूछते थे बहुत सारे कि मोदी के सामने, मोदी जी के सामने कौन। आज ये देश में बात स्पष्ट हो गई है कि 2024 में मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल जी होंगे। वो चुनाव अरविंद केजरीवाल, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा, भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। और इसलिए होगा क्योंकि आज दिल्ली के बाद, दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल के बाद, पंजाब के बाद, पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण बनती जा रही है। और इस बात से मोदी जी को थोड़ा टेंशन है। ये जो मैं आपको अखबार जी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला जिसमें आप इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, ये फॉर्मूला जरा मुझे भी समझा दीजिए, मेरे दर्शकों को भी समझा दीजिए कि जीरो से, अभी आपके पास एक भी सीट नहीं है, जीरो से आप कैसे मैजिकल फिगर छूलेंगे, समझाइए तो जरा गणित। देखिए 2000 आज से 8 साल पहले पूरे देश में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, हमारी पार्टी भी नहीं थी 10-11 साल पहले। हमारी पार्टी भी 10-11 साल पहले बनी है, लेकिन 10-11 साल पहले बनी पार्टी दिल्ली में 3 बार सरकार बनाती है अरविंद केजरीवाल जी। कुलदीप जी, मैं नहीं समझ पा रही बात, आप मुझे बताइए, दो राज्यों में सरकार बनाने का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे आप? आज जो मोदी जी का डर है वो किससे डर है? उनको अरविंद केजरीवाल से डर है ना, जो हमने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया,
इंडिया नंबर वन कंपेन लॉन्च किया, उसके बाद से मोदी जी आप तो मुझे घबरा गए, सर, उनको मुझे पता है पूरे बताइए देश ना, में आप जो आज ये आम आदमी बार-बार पार्टी दावे को कर रहे हैं, सपोर्ट आप मिल रहा बताइए डर आपने आंख कैसे लिया, आपको कैसे लग गया वो लोग डर गए, आपको कैसे लग गया कि केजरीवाल को आप पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप 0 से 273 पहुंचने वाले हैं। है। देखिए ये तो आप मोदी से पूछिए कि उनको डर क्यों लग रहा है, वो आपको तो ये कैसे बहुत महसूस अच्छी हो तरह गया, स्पष्टीकरण करके, आपको ये कैसे बहुत महसूस हो स्पष्टीकरण गया, नहीं आप बता जरा पाएंगे, समझाइए तो जनता को क्योंकि फॉर्मूला समझाइए। बार देखिए बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों की आलोचना करनी, देश की कुलदीप जी जनता सुनिए का ना, आप सुनिए अपमान ना, करना, आपने देश दावा की किया जनता कि डर को, गए हैं, आपने दावा किया बीजेपी वाले डर गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, कैसे आपने ये डर महसूस कर लिया आप मुझे बताइए तो मेरे दर्शकों को भी बताइए। देखिए आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई छोड़ी जाती है, जब तक ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अच्छा फ्रंट किसी पेज के घर पर एक पर खबर किसी के छपती घर है पर सुनिए ना मेरी जो बात, अगर किसी के अमेरिका घर का पर सबसे किसी के घर प्रतिष्ठित, पर सीबीआई भेज दी गई, ईडी भेज दी गई, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि डर गए और आप प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये मतलब है इसका। गुजरात में जमीन, प्राची जी गुजरात के अंदर इनकी जमीन हिल गई, हिमाचल में इनकी जमीन हिल गई, इनको यूपी में क्या जानकारी हुआ, जिक्र है, और देश यूपी में के क्या आज, हुआ, और देश यूपी के में क्या आज हुआ, कोने कोने उत्तराखंड में, में क्या हुआ, देश भर के, आप बताइए मुझे यूपी में क्या हुआ, राजनीति में, उत्तराखंड में क्या हुआ, राज बताइए जरा मुझे। देखिए सुनिए प्राची जी, मैंने आपको पहले ही कहा हम 8 से 10 साल पुरानी पार्टी हैं, लेकिन आज पूरे देश ये भर कौन में सा अरविंद मैजिक है, केजरीवाल मैं जी यही के तो जानना चाह रही हूँ, ये कौन सा मैजिक है, मैंने मैजिक दो है, साल बचे, मैं बताता रहा, मैंने सुना दो आप, साल सुनिए तो बचे सही, बताता हूँ मैजिक सर में, जनरल इलेक्शन प्राची में, जी सुनिए कौन ना, सा लॉजिक है प्राची आपके जी पास, मैजिक अब बताता हूँ 273 सुनिए, सीटें ले आएंगे। प्राची जी मैजिक बताता हूँ ना, मैजिक है अच्छे स्कूलों पे काम करना, सरकारी शिक्षा को ठीक करना, कितने बिजली स्कूल पानी की खोल दिए बात आपने दिल्ली करना, में, स्वास्थ्य सेवा को कितने ठीक स्कूल खोल करना, दिए आपने दिल्ली में, आपने कितने विद्यालय बना दिए, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी, आप देश के ऊपर बात करेंगे ना सर, फिर कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आपने दिल्ली में मुझे बताइए जरा, आज मुझे बताइए। मैं दावे से कह सकता हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 19 राज्य है और एक तरफ आम आदमी पार्टी के 2 राज्य है, आप अपने चैनल पर डिबेट कर लीजिए, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, कुलदीप जी अगर सुनिए ना, शिक्षा और बड़ा स्वास्थ्य सिंपल कर मॉडल देती की हूँ बात सर, मैं की सिंपल जाएगी, कर देती हूँ, आप देश में उलझे नहीं, एजुकेशन की बात आप की मोदी जाएगी, को हराने दिल्ली का मॉडल की बात फॉर्मूला आएगी, बता दीजिए मुझे, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले हैं जनता आपके बताती है, पास, फॉर्मूला जनता बताती है पहला प्राची जी, बताइए सर, फॉर्मूला नंबर एक तो काउंट कर रही हूँ मैं, जनता बताती है, जनता बताती है, जनता जनार्दन है, आप जनता बताइए बताती है ना कुलदीप फॉर्मूला, जी, आप और बताइए, जनता, वो जनता को डिसाइड करने दीजिए, लेकिन दावा आपने किया है, फैसला आप आपने मुझे किया मोदी है, जी के तो जीतने का बताएंगे फॉर्मूला बता आप दीजिए, मुझे, क्या बताइए मुझे फॉर्मूला बताइए। मैंने क्या कहा कि जनता तय करती है कौन जीतेगा वो तो कौन इलेक्शन हारेगा, के वक्त पर भारतीय तय जनता करेंगे पार्टी सर, के लोगों आपने से अभी से बोलिए, प्रोजेक्ट किया ना, इतना आपने घमंड कहा तय डर ठीक गए, नहीं है, आपने कहा डर गए हैं मोदी बिल्कुल जी, आपने कहा केजरीवाल है बिल्कुल 2024 निश्चित में रूप पीएम से के सामने, आप मुझे बताइए फॉर्मूला नंबर वन कैसे मैंने कहा 303 से घटाकर चुनाव आप दो उन्हें हजार जीरो पर ले चौबीस आएंगे और आप 0 से 273 पहुंच जाएंगे, फॉर्मूला बताइए। 2024 में, 2024 में ये चुनाव अरविंद केजरीवाल, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल जी होगा, ये कैसे बात होगा, निश्चित मैं रूप यही से तो देश को जानना चाह पता रही है, हूँ कैसे और होगा, अरे आप देश, फॉर्मूला नहीं बता पा रहे दिल्ली हैं सर से मुझे, आप मुझे फॉर्मूला आप सुनना नहीं समझाइए, चाहते हैं, आप प्राची जी आप सुन कहा रहे हैं फॉर्मूला, सुन रही आप हूँ ना सुनिए मैं लेना, सर, गोल मैंने गोल कहा घुमाएंगे तो नहीं डेमोक्रेसी सुन में, पाऊंगी, आप मुझे गोल गोल घुमाएंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी, मुद्दे पर आइए, फॉर्मूला बताइए सीधा सीधा। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है, और जनता आज अरविंद केजरीवाल जी को पसंद कर रही है, उनके कामों को पसंद कर रही है, बिजली और पानी की सुविधाएं हर लोग चाहते हैं, और आज मोदी जी जो बिजली पानी सुविधा अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, जो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, मोदी जी को फ्री बीज लगता है, वो रेबड़ियां लगती हैं ठीक उनको, है, आप ये कह उसको रहे फ्री हैं, बीज बोलते हैं, आपका फ्री आपका बीज तो वो फॉर्मूला है जो दस कुलदीप जी लाख सुनिए, करोड़ रुपए आपका अपने फॉर्मूला ये दोस्तों है, के माफ सुनिए किए, ना, आपका फॉर्मूला ये है, जो फ्री की रेवड़ी की बात की जाती है वो पूरे देश भर में बटेंगी और आप हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को, 303 से उनको घटा जनता देंगे, को जनता पहला की फॉर्मूला सुविधाएं आपका, मिलेंगी, पहला फॉर्मूला जनता को जनता की सुविधाएं मिलेंगी, ठीक जब है, देश के लिए जो काम आपका पहला करेंगे, इंडिया फॉर्मूला, सब लोग रोहन 130 गुप्ता जी, करोड़ लोग रोहन मिलकर तय गुप्ता करेंगे जी, कि मोदी जी आपके को, राहुल मोदी गांधी जी को की हरा जनता, देंगे क्या ये, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है, जो आप कब से फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ राहुल गांधी को हराना या केजरीवाल, मुद्दे जनता की बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक मजबूत व्यक्तित्व है, अच्छे भाषण करते हैं, पर क्या वो मजबूती का फायदा देश की जनता को हुआ, आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे, क्रूड ऑयल के रेट
6 महीने में सबसे न्यूनतम उनका दावा बहुत बड़ा है। आदमी पेट्रोल और डीजल की रेट नहीं घटाएगा। रोहन जी सुनिए ना, इन मुद्दों पर तो चर्चा कर ही लेंगे, इन मुद्दों पर रोज चर्चा करते हैं। सवाल ये है कि केजरीवाल हरा देंगे क्या राहुल गांधी को, बताइए तो इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि केजरीवाल राहुल गांधी को हराएंगे या राहुल गांधी, मुद्दे ये नहीं है। आज देखिए देश की जनता की 1.5 साल के बाद आप देखिएगा क्या होता है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्राची जी आप बात को कंप्लीट करने दीजिए ना, आपको बात को कंप्लीट नहीं करने देंगे तो आप अभी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर की यात्रा, सुन लीजिए प्राची जी। मैं सुन रही हूँ रोहन जी, मैं सुन ही रही हूँ, आप ही को सुन रही हूँ। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की शुरू हो रही है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है जिसको राहुल जी और कांग्रेस पार्टी। रोहन जी सुनिए ना, मैं ये जानने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, मैं आपको बीच में टोकूंगी फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपके राहुल गांधी को क्या केजरीवाल हरा देंगे, हाँ या ना बोलिए। देखिए ये मुद्दा, आप जो सवाल पूछ रही हैं, आप जो भी सवाल पूछेगी उसका तो जवाब देने नहीं बैठा हूँ, आपके सवाल ही गलत है। यहाँ मुद्दे जनता की बात करने की, केजरीवाल हराएंगे जो लोग जीरो पे अभी बैठे हुए हैं, जो पार्टी में प्राची जी आप बात को खत्म कर दीजिए प्लीज। प्राची जी डिबेट करते हैं तो बोलने का मौका दीजिए और फिर आप सुन लीजिए ना बात को, जवाब को सुन लीजिए। आज जो बात आप कर रहे हैं आपको जवाब मिला क्या? आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे पाए, आप जवाब मांगने का मतलब नहीं। जवाब दे दीजिए, अगर आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे रही तो आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी और उसके नेतागण देश की जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार है, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से होगी। आप अपने आगे के फॉर्मूले, अपने आगे की रणनीति बता रहे हैं, नफरत का माहौल खत्म होगा। प्राची जी बात को खत्म करने दीजिए प्लीज, खत्म करने दीजिए आप बात को प्लीज। जी सुनिए ना, आप 30 सेकंड देंगे प्लीज, बात को खत्म करने देंगे ना, आप अपने पार्टी, ये तरीका नहीं है ना आपका डिबेट करने का प्राची जी। नहीं मेरा बात को काटने का मतलब क्या होगा सर, मुद्दे आप अपनी तरीके से ही बात करना चाहती है तो डिबेट नहीं होगी ना। नहीं रोहन जी, हम लोग डिबेट करते हैं, बोलने का मौका दीजिए, आप जवाब देंगे तो मैं क्यों नहीं सुनूंगी? आप मुद्दे पर आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा प्राची जी, मैं आप डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं क्या बोलूंगी ना। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं 30 सेकंड पे आपको जवाब दे देता हूँ। बोलिए, मैं यहाँ पे किसी के दावे के जवाब देने नहीं बैठा हूँ, मुद्दा सिर्फ इतना है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता देश की जनता के जो मुद्दे हैं उसके लिए रोड पे, संसद में, मीडिया में, हर जगह लड़ेंगे और इस बार आपको जीत के दिखाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। ठीक है, आप अपनी पार्टी की बात करें, केजरीवाल के मामले में जवाब नहीं है। जो अजय आलोक जी, आप दोनों ही पार्टियों के दावों को भी सुन रहे हैं, बातों को भी सुन रहे हैं, ये जो विपक्ष में बिखराव है, ये जो बटराव है, क्या यही फॉर्मूला है 0 से 273 पहुंचने का और 303 से घटा देने का? देखिए अवसरवाद इस राजनीति में आएगा 2024 के परिणामों के बाद, कोई नई बात तो नहीं है। ये दोनों जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, पहली सरकार तो दोनों ने मिलकर ही बनाई थी, चरित्र मिलता है इसकी सरकार भी साथ में चलाने के लिए। यही तो एक दिक्कत है, ये सब खिचड़ी जो, ये भानुमति का कुनबा जो जुड़ने के तैयार है, ये भानुमति का कुनबा कभी बनेगा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए तो बस एक शेर कहूंगा, किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती। आपने कौन सा कुंभा था आपका? तुम खुद को बदल सको, आप कौन से कुंभे में थे अभी तक? तुम खुद को बदल सको तो चलो, कुंभे में नहीं हुआ मेरे, पहले से ही भाजपा में रहते हैं। जेडीयू था तो जेडीयू तो चला गया ना आपके पास, इसलिए मैं निकल गया जेडीयू से। जेडीयू का कुंभ आपको छोड़ा या छुड़ा दिया आपको? आप आम आदमी पार्टी कौन से कुंभ में, आम आदमी पार्टी को आप जवाब नहीं दे सकते हैं, आप अगर लड़ाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे राष्ट्रीय विश्लेषक की तरह मैं निकाला ही गया उसे, आपको भाजपा प्रवक्ता लिख के बैठे ना यहाँ पे भाई, तो आपको एक मुद्दा तो भाजपा का गलत बताइए। मैं अपने विचार रख रहा हूँ उसे, आपको पीड़ा क्यों है? आपके हिसाब से भाजपा से पीड़ा रखे आपको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं पीड़ा इसलिए हो रही है कि आप एक मिनट राजनीतिक विशेषज्ञ लड़ने जा रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं। जी अजय आलोक जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। रोहन जी मूल सवाल ये है कि केजरीवाल अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें विपक्ष कहाँ पर है, मेरा मूल सवाल ये है। खैर प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद बीजेपी के। प्रवेश जी यहाँ पर बात ये हो रही है कि 0 से 273 पहुंच जाएगी आम आदमी पार्टी, 303 से आप घट जाएंगे, यानी आप सरकार नहीं बना पाएंगे, डर रहे हैं आप केजरीवाल से? करीब
कल से जो चर्चा चल रही है, केवल आम आदमी पार्टी के चार लोग इस बात को बार बार बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये देश की जनता तय करेगी 2024 में कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर आप आज भी देश में कोई सर्वे करा ले, आपका चैनल सर्वे करा ले या कोई अच्छी एजेंसी सर्वे करा ले, तो अरविंद केजरीवाल या किसी का भी नाम दूर दूर तक प्रधानमंत्री के किसी भी अपना उसके लिए नहीं आ सकता है। क्योंकि मोदी जी का आज जो कार्यकाल रहा है, उनके जो काम रहे हैं गरीबों के लिए, जो उनकी योजनाएं रही हैं, जो अस्पताल, जो सारे रोड, जो सारे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है, आज उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो केवल चार आदमी आम आदमी पार्टी के नेता बार बार चैनल पर आकर ये बोल रहे हैं कि ये लड़ाई 2024 की हो चुकी है, तो मैं बहुत ही हास्यपद इस बात को समझता हूँ। तो ऐसे अपना बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। आपका चैनल कोई सर्वे कराएगा, मैं मान लूंगा कि अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। चुनौती मान रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं चुनौती पेश कर रहे हैं, आप चुनौती मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं 2024 के लिहाज से? देखिए, हम उतनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं जितना उत्तर प्रदेश में मान रहे थे, गोवा में मान रहे थे, उत्तरांचल में मान रहे थे, उतनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं जहां पर उनकी जमानत जब्त हो गई। आप ये देखेंगे कि दिल्ली में भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके नोटा से भी कम आता है वोट। तो उनके सारे जो अपना कैंडिडेट होते हैं, एक तो वो पैसा देकर सबको टिकट बेचते हैं, ऊपर से सबकी जमानत जब्त होती है। तो ऐसा मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, रात को कोई सपना देखा, सुबह सारे चैनल पर जाकर बोल दिया। और मैं समझता हूँ चार लोग अगर चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहें कि कल को वो बोलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के सामने अरविंद केजरीवाल या पूरा विपक्ष भी एक होकर अगर सामने आ जाएगा तो भी कहीं नहीं टिकता है। कुलदीप जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों देख रहे हैं आप? मुझे भी फॉर्मूला नहीं बता पाए, मैं भी बड़ी उत्सुक हूँ जानने के लिए। 0 से 273 कैसे पहुंच जाएंगे आप? देखिए, मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी की 19 राज्यों में सरकार है। परवेश वर्मा जी दिल्ली के सांसद हैं। ये मुझे 19 राज्यों में एक भी शिक्षा के दिल्ली के बराबर का काम दिखा दे, दिल्ली की गवर्नेंस के मुकाबले का काम दिखा दे, दिल्ली के हॉस्पिटल के मुकाबले का काम दिखा दे। चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर। दूसरी बात, ये मुझे ये न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार दिखा रहा हूं। अरे कुलदीप जी, आपको चैलेंज देता हूँ एक, ये मुझे कहीं भी दिखा दे। अरे कुलदीप जी, आप न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाकर लोकसभा जीत जाएंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा के आप जीत जाएंगे क्या? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने लोगों से वादा किया था। आपका क्या वादा किया था? मैनिफेस्टो है आपका। क्या वादा किया था? आप जो बार बार एक पन्ना मुझे दिखा रहे हैं, ये मैनिफेस्टो है आपका? प्राची जी, या तो आप ही बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोल मत घुमाइए, मुझे सटीक जवाब दीजिए सर, मुझे फॉर्मूला जानना है, मेरे दर्शकों को। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कहां चली गई? मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 8 साल हो गए। उन्होंने क्या कहा था, उन पर छोड़ दीजिए ना, जीत गए ना 303 सीटें, सुनिए ना, जीत गए ना 303 सीटें। अपना बताइए। न्यूयॉर्क टाइम्स है आपका? न्यूयॉर्क टाइम्स आपका मैनिफेस्टो है क्या? फॉर्मूला नंबर 1 यही है क्या? हमारा मैनिफेस्टो है देश की शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा करना। हमने दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज हमने वो पूरा करने का काम किया। आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिनको आप इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं, जरा सवाल तो जान ले। प्रवेश जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। प्रवेश जी, मैं सारे आम आदमी पार्टी के लोगों से एक ही मेरा चैलेंज है कि कल एक वो एफिडेविट दें। मैं मान लूंगा कि आपने शिक्षा और चिकित्सा में बहुत बड़ी क्रांति करी है, केवल 2 काम कर दीजिए तो मैं भी बोलूंगा कि आपने की है। कल से सारे आम आदमी पार्टी के सांसद, सारे नेता, सारे मंत्री, सारे विधायक, सबके बच्चे दिल्ली सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उसी में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने शिक्षा को बहुत बहुत जो है वर्ल्ड क्लास कर दिया। एक तो इस बात को कर लीजिए, दूसरा भगवान ना करे आपका स्वास्थ्य खराब हो, मगर आपका या आपके परिवार में से अगर किसी को अस्पताल जाने की नौबत आती है तो कल से केवल दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ही जाएं।
केवल इस बात की गारंटी दे दीजिए, क्योंकि आपने चिकित्सा और शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति करी है, तो आप केवल अपने जो आपके जो संस्थान है उसी का उपयोग करेंगे, केवल इस बात की गारंटी दे दीजिए। परवेश वर्मा भी कहेगा आपने शिक्षा और अपना चिकित्सा में दीजिए, कुलदीप जी गारंटी दीजिए, शायद यही आपका एक फॉर्मूला हो जाए 0 से 273 होने का। देखिए मुझे मुझे तो लगा कि परवेश वर्मा सांसद है, बहुत वरिष्ठ है, कुछ समझदारी वाली बातें करेंगे। ट्वीट तो ये ना समझी वाले करते हैं, ये सवाल भी ना समझी वाले करते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है, मैं तो एफिडेविट दे दूंगा, हमारे बहुत सारे विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे लोग सरकारी स्थान में इलाज कराते हैं, जिनमें से मैं खुद भी हूँ। परवेश वर्मा जी जिसका ढिंडोरा मोदी जी ने पूरे देश में पीटा, बहुत सारों की बात नहीं कर रहा, 100% पढ़ाई है ना, हमने हमने इतने लाख लोगों को घर पे छत दिया, आप एफिडेविट दीजिए कि कल से आप मोदी जी के बनाए हुए घर के अंदर रहेंगे, मोदी जी की बनाई हुई बुलेट ट्रेन के अंदर सफर करेंगे, आप लिख के देंगे चैलेंज, ये आप लिख के दे दीजिए मुझे, अगर आप देते जो मोदी जी ने 40 मोदी जी हमारे लिए घर नहीं बना रहे, मोदी जी उनके लिए घर बना रहे जिनके घर नहीं है। आप तो आप कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। दिल्ली के अरे आप बोल रहे हैं आपने शिक्षा में क्रांति करी, आप बोल रहे हैं आपने चिकित्सा में क्रांति करी है, तो आपके बच्चे जा रहे हैं कि दिल्ली सरकारी स्कूल में? पिताजी के ज्यादा तेज बोलने से नेता नहीं बनते हैं लोग, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है कुलदीप जी, जैसे तुम्हारे में हिम्मत है तो आके चुनाव लड़ लो मेरे सामने, अगर तुम्हारे किसी नेता में हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव लड़ लो। ऐसे घटिया घटिया लोगों को आप यहाँ पे बुला लेते चैनल में, सुनिए ऐसे दो कौड़ी के लोगों को बुला लेते हो, सर भाषा की मर्यादा रखेंगे परवेश जी भाषा की मर्यादा रखेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चर्चा करेंगे सर, फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं, चलिए छोड़ देते हैं चुनौतियाँ, फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं। कुलदीप जी सुनिए, कुलदीप जी आप भी भाषा की मर्यादा रखिए, और परवेश वर्मा जी आप भी भाषा का मान रखेंगे सर, अगर डिबेट में बैठे हैं तो। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, जनता आपको देख रही है, आपके वोटर्स आपको देख रहे हैं, दोनों सर दोनों, आप दोनों से मैं कहूंगी, ऐसे पर्सनल अटैक्स आप एक दूसरे पर करेंगे चर्चा नहीं हो पाएगी। कुलदीप जी वापस लौट कर आ जाते हैं मुद्दे पर, आप मुझे फॉर्मूला बता रहे थे, मुझे फॉर्मूला समझा रहे थे, जरा एक बार फिर से समझाइए मुझे फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर एक भी अभी तक निकल कर नहीं आया है 0 से 273 पहुंचने का। अरविंद केजरीवाल को बोलो मेरे सामने चुनाव लड़ ले। परवेश जी ठीक है, तुम अपने भाई बाप परवेश जी, एक सेकंड, अरे आप प्रवक्ता है, प्रवक्ता वाली बात करें ना, अरे तुम अरविंद केजरीवाल को बोलो मेरे सामने चुनाव लड़ ले, तुम क्या चीज हो भाई, तुम बोलो ना मोदी को मेरे साथ चुनाव लड़ ले, बोलो मोदी को, अरे तुम लड़ लो यार मेरे सामने, तुम लड़ लो कौन सा, थोड़ा सा कुलदीप जी मैं बार बार कह रही हूँ, परवेश जी मैं बार बार कह रही हूँ, हम मर्यादाओं को नहीं तार तार करेंगे सर, भाषा का इस्तेमाल करें, कैसी भाषा का इस्तेमाल करें, जनता भी सीखे ना आपसे, आप ऐसे सीख देंगे जनता को, आप ऐसी सीख देंगे, ऐसे ऐसे नहीं चल पाएगा सर, ऐसे नहीं चल पाएगा। 2024 की चर्चा कर रहे हैं, आइए उस चर्चा पर वापस आते हैं, एक दूसरे के पर्सनल अटैक में मत अटकिए सर। कुलदीप जी फॉर्मूला समझा दीजिए, कुछ समझ में आया आपको, कुछ याद आया, आदमी को बिठाकर मेरे सामने मत बिठाए कीजिए। परवेश जी मेरे मेहमान हैं, लोगों को मत लेके आइए, अगर चैनल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सर। कुलदीप जी फॉर्मूला बता दीजिए। देखिए प्राची जी, आज देश के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, आज देश के लोगों को ये झूठे जुमले नहीं चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए थे, झूठे जुमले, मैंने उसी की बात की ना, झूठे जुमलों की बात की थी ना लोगों ने, इन्होंने कहा था। जी मैं आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ, आप बीजेपी की बात करने लग जाते हैं, मैं आपसे आपका फॉर्मूला पूछती हूँ, आप उसका मैनिफेस्टो पढ़ देते हैं। अरे बीजेपी का मैनिफेस्टो कि आपका मैनिफेस्टो हो गया है, सुनिए ना कुलदीप जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछती हूँ फॉर्मूला 2024 के लिए, आप मुझे बीजेपी का मैनिफेस्टो बताने लगते हैं, अरे उसका जवाब परवेश जी देंगे ना, आप अपना फॉर्मूला बताइए मुझे। बता तो रहा हूँ मैं आपको प्राची जी, आ देश के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा गवर्नेंस फॉर्मूला नंबर वन, चलिए मैंने मान लिया, और ईमानदार सरकार, सर फॉर्मूला नंबर वन आपका हो गया, फॉर्मूला नंबर वन शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा वो बात अलग है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गोवा में आपको मुंह की खानी पड़ी इसी मॉडल को लेकर, दूसरा फॉर्मूला बताइए। और ऐसे नेता चाहिए जो देश के लिए काम करें, भारत के लोगों के लिए काम करें, ऐसे नेता नहीं चाहिए जो केवल कुछ चंद उद्योगपति अपने दोस्तों के लिए काम करें, उनके बैंक अकाउंट भरने का काम करें, देश को ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है।
जो देश को आगे लेके जाए। ठीक है, 130 करोड़ देशवासी लोग मिलके इस देश को नंबर वन देश बनाना चाहते हैं। कुलदीप जी, आप इन बातों में अगर आप पढ़ेंगे, इन बातों में आप पढ़ेंगे तो फिर मैं उन तमाम चीजों का जिक्र करूंगी जिससे मुद्दा मेरा कहीं और चला जाएगा। आपके नेताओं पर नहीं लग रहे क्या आरोप? जी, आप पर नहीं लग रहे आरोप कि आपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाया है? एफआईआर में किस किस के नाम है जिनका सीएम हाउस में आना जाना था? फिर मैं सब खोलने लग जाऊंगी। प्राची जी, नहीं, वो तो आप खोलिए, जनता को पता लगना चाहिए। आप खोलिए ना, उसके जवाब देने के लिए तो आपके चैनल पे बैठे हैं हम, आपके किसने बैठे हैं आपके चैनल पे, इसलिए तो बैठे हैं ना। लेकिन आज देश को अच्छी एजुकेशन चाहिए। जब बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियां मिलेंगी तो देश से गरीबी खत्म होगी। और देश की गरीबी खत्म करके दिल्ली में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय खोल दिया, कौन सी यूनिवर्सिटी खोल दी आपने, कौन सा बड़ा अस्पताल खोल दिया? इस बात का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में आप क्या करेंगे? खैर, परवेश, स्कूलों से ज्यादा शानदार है दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट। हाँ, यही फॉर्मूला लेकर जाएंगे। यानी मैं समझ गई सर, जो बात सुनिए ना, जो फ्री पॉलिटिक्स, जो फ्री की पॉलिटिक्स की बात आप बाकी प्रदेशों में लेके गई, वही आप 2024 में आजमाएंगे, आप ये कह रहे हैं। आपकी बात आ गई सर, मेरे और मेहमान है, आपकी बात आ गई, आपकी बात। परवेश जी, उन्होंने दो फॉर्मूले बता दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक अच्छे नेता। 2024 में इसके बिना पर आपको चुनौती दे रहे हैं। देखिए, मैं चलिए, मैंने जो इनको बोला ये वो नहीं कर सकते जो मैंने इनको चैलेंज दिया, क्योंकि ये उस बात को भी गुमराह कर देंगे। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली में क्या कोई नया कॉलेज बनाया? एक भी कॉलेज बनाया तो उसका नाम बता दीजिए। आपने दिल्ली में एक भी नया स्कूल बनाया उसका नाम बता दीजिए। एक भी नई यूनिवर्सिटी बनाई है तो उसका नाम बता दीजिए। एक भी नया स्टेडियम बनाया है तो उसका नाम बता दीजिए। एक भी नया हॉस्पिटल बनाया है तो उसका नाम बता दीजिए। एक भी नया फ्लाईओवर बनाया है तो उसका नाम बता दीजिए। आप कौन सी क्रांति की, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आप काम कुछ कर नहीं रहे। अपने जो आपका विज्ञापन का बजट है उसको 1500 करोड़ रुपए कर दिया। 1500 रुपए करोड़ सारा खर्च करके, सारे अखबार में, सारे दिल्ली में होर्डिंग में, सारे अपने फोटो को निकलवा कर, और आप खुद ही अपनी तारीफ करते रहते हैं। इससे क्या होने वाला है? दिल्ली में जाकर देखिए, कभी गाँव में जाकर देखिए, कॉलोनी में जाकर देखिए। आज भी लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा। और आज ही इनके जो अपना सांसद है संजय सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम दिल्ली में बुजुर्गों को 2-3 गुना पेंशन दे रहे हैं। इनके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जाते हैं गुजरात में, वहां पे गारंटी देकर आते हैं कि मेरी एक गारंटी है कि हम जो 18 साल के ऊपर की महिलाएं उनको 1000 रुपए महीना देंगे। क्या दिल्ली में दे रहे? नहीं दे रहे। वहां पर जाकर बोल के आ रहे हैं, अपना गारंटी दे के आ रहे हैं कि हम वहां पे बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या दिल्ली में दे रहे? नहीं दे रहे। तो जो काम आप 8 साल से दिल्ली में नहीं कर रहे उसकी गारंटी आप जाकर दूसरे राज्यों में करके आ रहे हैं, इससे बेशर्मी वाली बात क्या हो सकती है? दिल्ली में आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा, टैंकर के द्वारा पानी मिल रहा है। जो ये बैठे हुए आम आदमी पार्टी के, मैं इनका नाम नहीं जानता, इनके अपनी विधानसभा में टैंकर के द्वारा पानी मिल रहा है, इनके लोगों के घरों में काला पानी आ रहा है, इनके बिजली के बिल आ रहे हैं, इनके पानी के बिल आ रहे हैं। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? मैंने कई बार बोला, आप मेरे साथ में मेरे क्षेत्र में चलकर देखिए कि वहां पर कोई एक काम हुआ है तो वो बता दीजिए। तो आप बार बार केवल झूठ बोलना और बड़े बड़े झूठ बोलना, इनका मैं क्या जवाब दे सकता हूं? ठीक है कुलदीप जी, इस बात का छोटा सा जवाब दीजिए, फिर रोहन गुप्ता जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। बहुत छोटा सा दीजिएगा सर, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। प्राची जी, उन्होंने कहा मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी विधानसभा गंदा पानी आ रहा है, इनको मेरी विधानसभा पता है, मेरे यहाँ विकास नहीं हुआ, मुझे जानते भी नहीं है, और मेरे यहाँ सारा काम, कोई काम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा बुजुर्गों की बात की, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, प्रवेश वर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 2500 रुपए पेंशन हम दिल्ली में बुजुर्गों को देते हैं, अगर किसी स्टेट में देते हो तो एक बता दे मुझे, उत्तर प्रदेश में बता दे, हरियाणा में बता दे, 2500 रुपए बुजुर्गों को पेंशन दिल्ली में देने का काम करते हैं सम्मान के रूप में हम। दूसरी बात, और ये कह रहे 5 साल से पेंशन, अगर मैं आपके चैनल में डिबेट दोबारा रख लीजिए, मैं 50 आपको कॉपियां दिखाऊंगा जिनके अंदर बुजुर्गों की 2500 रुपए पेंशन इसी महीने आई होगी, तो परवेश वर्मा जी क्या करेंगे ये बता दें मुझे। दूसरी बात, तो आज देश, मैं आपको हजारों कॉपियां दिखाऊंगा, हजारों बुजुर्गों के नाम बताऊंगा जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। परवेश जी, 2500 रुपए पेंशन दिल्ली सरकार बुजुर्गों को देने का काम करती है, और मेरी खुद की विधानसभा कौन? अच्छा, आप ये बताइए दिल्ली में विधानसभा,
दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है जिसकी गारंटी वहां दे रहे हैं गुजरात में। चलिए ठीक है सर, मुझे बीच में आप लोगों को इंटरव्यू करना होगा माफी के साथ। मैं रोहन गुप्ता जी आपसे ही माफी चाहूंगी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला अभी तक नहीं आ पाया है कि फॉर्मूला क्या है जीरो से 273 पहुंचने का। कुलदीप जी अभी तक आप मुझे बता नहीं पाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।